नैनीताल के जंगलों में आग लगने के बाद यहाँ के जो खूंखार जानवर हैं वो सीधे शहरी क्षेत्रों की तरफ आ रहे हैं। हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ पीड़ित लोगों से जिनके घरों के आसपास रात को गुलदार की दहाड़ ने उनका चैन छीन लिया है। जी आप बताएं किस तरीके से आपको परेशानियां हो रही हैं गुलदार से। देखिए आपको पता है कि अभी विगत कई दिनों से जंगलों में आग लग रही है। इन आग लगने के कारण जो जंगल की जंगली जानवर है वो रही से इलाकों में आ जा रहे हैं। अभी बीते 4-5 दिन के अंदर उन्होंने इसी एरिया में हरिनगर क्षेत्र में एक गाय, बहुत अच्छी गाय थी जो कई 5 सालों से यहीं रह रही थी, उसको मार दिया। और कल रात वो एक कुत्ता यहाँ से ले गया है। अभी आपको मैंने एक कुत्ता दिखाया जिसके पूरे गले में घायल है और वो ऊपर से मतलब लेके जा रहा है, हमारी छतों से लेके जा रहा है। आज तो ये डॉग्स को ले जा रहा है 1-2 दिन में। जब इसको अगर जानवर नहीं मिलते हैं तो ये पक्का बच्चों को और इंसानों को खाएगा। तो हम तो बस सरकार से यही चाहते हैं कि इस तरह की जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो जंगलों में आग लग रही है, उनको पहले कंट्रोल किया जाए और दूसरा उनके माध्यम से इन जानवरों को किसी भी तरह, चाहे पिंजरा लगा के कंट्रोल में करें या जैसे भी इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये मानव जाति के लिए भी काफ़ी ख़तरनाक हो चुके हैं। जो दिन दहाड़े घूम सक रहा है तो उसके लिए तो फिर अब हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम तो बस इसी उसमें चाहेंगे कि ये मदद हमें प्राप्त हो करके। तो पर्यावरण के साथ इंसानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है यहाँ के लोगों ने। इन लोगों का कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ पिंजरे लगाए या बम फोड़े या जिस तरीके से भी इन खूंखार जानवरों पर काबू पाए उसको पाना बहुत ज़रूरी है। कमल जगाती, ABP गंगा, नैनीताल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।